इतना बड़ा कुर्बानी सिर्फ औरत ही दे सकती है। मैं समझता हूँ कि औरत की कुर्बानी जो है वो मर्द के मुकाबले में, मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी है। उसकी स्पिरिट, उसका जज्बा कहीं ज़्यादा मजबूत है, उसकी त्याग की फीलिंग कहीं ज़्यादा मजबूत है। वो तो उन्होंने बताया ही कि सुबह क्या करती, शाम क्या करती, दोपहर को क्या करती है, कमरा बनाना, फिर करना, वो करना। वो अपनी कहानी तो है, मगर कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है जो असल में औरत के संघर्ष की औरत की कहानी है। महापुरुषों का पुराना अगर देखें तो औरतों के खिलाफ जो माहौल रहा, जो तशद्दुद, जो जुर्म सोसाइटी में लोगों ने बर्दाश्त किए, मुझे एक चूक याद आती है गुरु नानक देव जी की। जब अपने वक्त में वो गुजर रहे थे 15वीं सदी में, तो तब भी औरतों के साथ ज्यादतियाँ इस तरह की होती थी। उनका कहना था, उसको करते थे, गुरबाणी में दर्ज है, सो क्यों मंदा थी जित जमै राजा। राजों को जन्म देने वाली औरत जो है वो कमजोर कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा 15-45 की जब कहानी करते हैं तो फिर उसमें छोटी मोटी लिमिटेशन, छोटी मोटी तकलीफें तो आती नहीं कहीं। 15-45 का तो लंबा इतिहास हो गया है और बहुत सारी अहम जिम्मेवारियां 15-45 ने निभाई हैं। और 15-45 के बाहर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो बाकी हमारे मेंबर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने इतना इतना काम है। सोजी के अंदर जो काम हमारी लड़कियों ने कर दिया है उसका कोई जवाब नहीं। और मैं समझता हूं कि कितनी भी कहानी कहें वो छोटी लगती है। और अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो ये कह रहे हैं कि हम 3% पे हैं, 33 पे जाना है, 33 पे जाना है, तो बहुत कुछ आगे करने वाला भी बाकी है।